जी नमस्ते जी, कैसे सभा। मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ राजपूत जॉन से, SAS नगर मोहाली, न्यू सनिंग क्लिप ग्रेटर मोहाली, सेक्टर 125 में ये हमारे 4 BHK स्पेनिश विला हैं। बहुत अच्छे बने हुए हैं, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी रहेगी। हमारा ये वैसे 3 गेटर टाउनशिप रहेगी, पर ये गेट नंबर 1 पे विलाज ही बने हुए हैं, 2 और 3 गेट नंबर पे फ्लैट्स हैं जो सेल आउट हो चुके हैं। आगे 34 शॉप्स हैं सोसाइटी के आगे, और जो रेडी टू मूव में सारी बिक चुकी हैं, और सोसाइटी पूरी बाहर से शॉप्स में लोग अपना काम कर रहे हैं। हर चीज़ की अवेलेबलिटी शॉप में आपको बाहर, जैसे क्लिनिक है, राशन वाले की शॉप भी है, टेलर भी बैठे हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह, हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ से बिल्कुल सामने जो हमारा गेट है, अगर उससे हम राइट हो जाएंगे तो 500 मीटर पे अपना मेन हाईवे आ जाता है जो एयरपोर्ट रोड है। न्यू सनिंग क्लिप की मेन एंट्रेंस है, 3 मिनट का व्हीकल डिस्टेंस रहेगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। एक बार सैंपल हमारा बिल्कुल रेडी टू मूव है। इस विलास की वीडियोस आपने देखी होंगी, जो हमारा चैनल है सबसे ज़्यादा वीडियोस इसी प्रोजेक्ट की है। रेडी टू मूव में 4 BHK रहते हैं, बने बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। वॉल टू वॉल 40 फिट है, और डोर टू डोर जो बाहर वाली मेन एंट्रेंस है, डोर टू डोर 35 फिट का रोड है। और एक चीज़ सबसे मेन है यहाँ पे रोड पे, अभी रोड का काम चल रहा है, आप देख रहे हो बंदे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप 2 गाड़ी 22x45 इसका साइज रहेगा, 2 गाड़ी पार्क कर सकते हो। और जो सबसे मेन चीज़ है, ये देख रहे हो आप जो 2 ढक्कन लगे हुए हैं, ये छोटे सीवरेज हैं और ये बड़ी होती है सीवरेज की। दोनों तरफ हमने रेन डाला हुआ है कि सोसाइटी में पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो। जो अंडरग्राउंड वायरिंग है, पर आपका मीटर यहाँ पे नहीं लगेगा। पैनल दिए हुए हैं हमने ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर के अलग अलग ऑन ऑफ के, पर हमने जो बाहर मीटर लगाए हुए हैं गेट के पास, वो सिक्योरिटी गार्ड का कमरा है। इधर वॉशरूम दिया हुआ है, आपके घर में कोई मेड काम करती है तो आपका घर का वॉशरूम यूज़ उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर वॉशरूम गेट पे दिया हुआ है, जा सकते हैं। सोसाइटी के लास्ट में जाएं तो बाउंड्री आ जाती है, बाउंड्री के बाहर ये टावर है बड़ा, अंदर है नहीं। और एल शेप में यहाँ पे हमारा स्पेशियस पार्क बना हुआ है जो रेडी टू मूव में है। आगे ये थोड़े से प्लॉट्स हैं एंड फिर पार्क है हमारा जो डेवलप है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ पार्क आपको। ये हमारा पार्क है ग्रीन वाला सारा। यहाँ पे जो अवेलेबलिटी अभी कमी है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, जो क्वालिटीज़ मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, हर चीज़ बढ़िया लगती है, तो आप एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबलिटी है, जब मर्जी आओ विज़िट करने के लिए। यह हमारा कमेटी प्रूव्ड प्रोजेक्ट है, HDFC से प्रूव्ड है, सारे नेशनलाइज बैंक यहाँ पे लोन करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, 2 अटैच वॉशरूम, ड्राइंग रूम, मॉलर, किचन है। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, 2 अटैच वॉशरूम, ड्राइंग रूम, मॉलर, किचन है। टोटल 4 बेडरूम, 4 अटैच वॉशरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 मॉलर किचन। टॉप फ्लोर की मॉन्टी है, उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं। यह गाड़ी की पार्किंग के लिए स्पेशियस है यहाँ पे जो बना हुआ है, और स्टेयर का एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप ग्रीन एरिया भी बना सकते हो, 2 व्हीलर आप 3 के करीब यहाँ पे आराम से खड़े कर सकते हो। ये विंडो है हमारी मॉलर किचन की, जो बहुत बड़ी दी हुई है। आपको मैं स्टेयर का एरिया सारा विजिट कराऊंगा। सबसे पहले मेन एंट्रेंस है हमारी, गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा। जो पैनलिंग है हमने ग्राउंड की भी दी हुई है, फर्स्ट फ्लोर की भी दी हुई है अलग से। ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम रहेगा, बहुत स्पेशियस है। जैसा ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर रहेगा हमारा, स्पेशियस है। यहाँ पे 4 सीटर अभी रखा हुआ है, 6 सीटर रख सकते हो, 5 सीटर सोफा है, 7 सीटर आ जाएगा। वॉल पे एज इट इज वर्क आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसके। ये लकड़ी का काम किया हुआ है हमने, POP का नहीं किया हुआ। इस पे रॉयल का पेंट किया हुआ है वॉल के ऊपर, बाहर प्लास्टिक पेंट रहेगा। एज एट इज ही मिलेगा, जो इसमें मिलेगा नहीं फर्नीचर मींस बेड सोफे वगैरह और कर्टन्स हो गए, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सीलिंग आपको एज एट इज मिल जाएगी, जैसे बीच में प्रोफाइल लाइट दी हुई है, जितनी लाइट्स की क्वांटिटी है एज एट इज मिल जाएगी। झूमर नहीं मिलेगा आपको, एक्सेसरी नहीं मिलेंगी।
ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम है। यहाँ पे जो फ्लोर टाइल है 2.5x5.5 की फ्लोर टाइल रहेगी। मेन एंट्रेंस हमारी मेन डोर ऐसे ही रहेंगे, अंदर के भी डोर ऐसे रहेंगे। हमने जो डोर्स हैं इन पे फ्लश डोर के ऊपर टीक लगाई हुई है, ऊपर हमने पॉलिश वर्क किया हुआ है। और ये आपको यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है पैनलिंग आपको ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे एज इट इज मिलेंगी। LT के स्विचेस लगे हुए हैं। यहाँ पे आप 3 crore में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे आप 7-seater सोफा आराम से आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं मॉलर किचन जो बहुत स्पेशियस है। ग्राउंड एंड फर्स्ट की एज इट इज ही रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। आपको एसेसरी में जैसे मैंने बताया था आपको इसमें चिमनी चूल्हा नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट पार्ट भी सेम अमाउंट का लेते हो तो आपको ये 2 बीच में हम इस प्राइस में दे देंगे। जो हमारा प्राइस रहेगा यहाँ पे सैंपल जो हम बेच रहे हैं अभी क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो गई है, 89.90 का सैंपल है। अगर आप वेस्ट फेसिंग में अगर आपने विला लेना है तो 86.90 का सामने वाला मिल जाएगा आपको। अंदर भी सरमाइका वर्क है, लाइटिंग एज इट इज रहेगी, सरमाइका वर्क एज इट इज रहेगा, अंदर भी सरमाइका वर्क है, कहीं पर पेंट वर्क नहीं आएगा। यहाँ पे जो ग्रेनाइट देख रहे हो एज इट इज ही ग्रेनाइट फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर और ऑल विलाज में लगा हुआ है। अरोका की यहाँ पे टाइप्स मिल जाएगी, साउंड प्रूफ शंक मिल जाएगा आपको। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ग्लॉसी सरमाइका व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। वॉल टाइल भी लगाई हुई हमने, पेंट वर्क नहीं टोटल किया हुआ। सीलिंग आपको एज इट इज ही मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं मास्टर बेडरूम, अटैच वॉशरूम के साथ है। बहुत स्पेशियस रहेंगे, बेडरूम के साइज बहुत स्पेशियस रहेंगे। हमारे को टहलने के लिए अच्छा एरिया है, क्रॉसिंग करके जैसे मर्जी उधर से इधर इधर से उधर जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आ जाते हैं बेड के बिल्कुल जो सामने की पैनलिंग है, यहाँ पे LCD पैनल आपको डिको किया हुआ है टीक के ऊपर, ड्रेसिंग में डिको किया हुआ है टीक के ऊपर, एज इट इज ही मिल जाएगा। सामने वॉल पे हमने टीक प्लाई लगाई हुई है, ये क्रीमी आ जाती है टीक प्लाई। टीक प्लाई क्रीमी मीन्स टीक प्लाई लगी हुई है ग्रुप वाली, इसके ऊपर हमने डिको किया हुआ है क्रीमी, इसका कलर क्रीमी है, ऑफ वाइट जिसको बोलते हैं, डार्क ऑफ वाइट किया हुआ है इस पर, एज इट इज ही मिल जाएगा। सामने की तरफ बेड की बैक पैनलिंग तक दे रहे हैं हम, बस बेड ही नहीं दे रहे, मोल्डिंग मिल जाएगी। और ये पैनलिंग के बीच में ये ग्रुप की टीक प्लाई है, इसमें हमने ग्रे डिको किया हुआ है। जैसे एज इट इज लाइट दी हुई हैं दो, एज इट इज ही मिलेंगी आप। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 150-200 गज की तो बात अलग है, ये तो 115 गज, ये तो 115 गज का विला है, उसकी तो बात अलग है। आप मानोगे नहीं, आप जो 70-75-80-85-90 लाख 98 लाख तक आप किसी भी सनी में ग्रेटर मोहाली सेक्टर 125-123 में विजिट कर लो, आपको इस वॉल पे ये नहीं मिलेगा। LCD पैनल तो मिल जाएगा, ये मोल्डिंग नहीं मिलेगी, अलग पार्ट है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे सेल्स में दूसरे बिल्डर का स्टाफ। पर यहाँ पे बहुत कुछ इंक्लूडेड है। ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को 5वां साल है यहाँ पे जॉब करते हुए, ये लौते एक बिल्डर हैं, मेरे को 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में नौकरी करते, कि जो 99% आपको चीज़ वैसी दे रहे हैं, 90% तो लगा ही लो। बहुत सारे बिल्डर हैं सैंपल दिखा के चीज़ भी नहीं दे पाते। बैक पैनलिंग बीच में मिल जाएगी, अटैच वॉशरूम एज इट इज ही रहेगा, 2x4 की वॉल टाइल है, अरोका की बाथ फिटिंग रहेगी, सेम टू सेम एज इट इज ही आपको मिल जाएगा। टाइल की क्वालिटी देख लो आप, एज इट इज ही आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये वेंटिलेशन है, चारों वॉशरूम में एज इट इज मिलेगी। वॉल हैंगिंग सीट है, वॉल हैंगिंग शंक है, टैप्स हमारी सारी मॉलर है। सामने कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम डिजाइन के, ये इस पे हमने एक चीज़ बता देता हूँ जी, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते, जैसा आर्किटेक्ट ने हमारे को डिज़ाइन करके दिया हुआ है। हमने सामान भी वैसा मंगा रखा है जैसे क्वांटिटी में बंदा हॉल सेल में मंगवाते हैं बिल्डर, तो इस पर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगी आपको। सामने कबर्ड देख रहे हो, इस पर हमारा मैट सरमाइका है, जो ग्रे सरमाइका थोड़ा सा ग्रे उसमें आ जाता है टच में।
अंदर भी सरमाइका वर्क मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होंगे, बस रॉयल के एशियन का पेंट, बीच पे सीलिंग के प्रोफाइल लाइट एज इट इज ही मिलेगी आपको, लाइट की क्वांटिटी एज इट इज मिल जाएगी, वॉल पे एज इट इज वर्क मिल जाएगा, इधर सीलिंग का जैसे हमने किया हुआ है सीलिंग का एंड कबर्ड्स का, ये पैनलिंग आपको बताई है एज इट इज ही मिल जाएगी। चारों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है जो सेम बने होंगे, कलर कॉम्बिनेशन अलग है, अंदर से कबर्ड्स कहीं पे भी पेंट वर्क नहीं है, सारा सरमाइका वर्क है अंदर भी। ये हाइड्रोलिक है, शोर नहीं करेंगे जब टच होएंगे, यस ऐसे। सेकंड बेडरूम है, और सबसे पहले बेडरूम में एंटर करने से पहले ये जो चीज़ है, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप सारे कस्टमर मैम सर नए वाले पुराने वाले कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप 80 लाख की कोठी में जाना, 85 की में जाना, बहुत देखो जी हमारे से भी बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, नो डाउट ऐसे कुछ नहीं है, जो मैंने फेस किया है, हम भी घूमते हैं मार्केट में, सुडान टीक की हमने लकड़ी लगाई हुई है, ऊपर ये पॉलिश वर्क है, आपको पेंट वर्क ही मिलेगा। 70 लाख की कोठी में भी, 80-90 में भी, 94-90 में भी बहुत कम बिल्डर हैं जो पॉलिश दे रहे हैं, या आप क्वालिटी एक बार देख सकते हो अच्छे से। बेडरूम अटैच वॉशरूम, 2x4 की वॉल टाइल है, स्पेशियस, बैक पैनलिंग एज इट इज मिल जाएगी, ये बेडरूम बाद में दिखाता हूँ, पहले 2x4 की वॉल टाइल है, अरोका की बाथ फिटिंग है, एज इट इज आपको सब कुछ मिल जाएगा। सामने कबर्ड्स चारों बेडरूम में, ये थोड़ा सा क्रीमी आ जाता है, मैट सरमाइका, अंदर भी सरमाइका वर्ग है कबर्ड्स के अंदर। एलसीडी पैनल चारों बेडरूम्स में अलग अलग डिजाइन के मिल जाएंगे, उसमें अलग था, यहाँ पे डिको भी किया हुआ है, नीचे टीक प्लाई लगा के ऊपर पॉलिश भी की हुई है, और स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, ये डम्मी लगाई हुई है हमने, चारों बेडरूम्स में, दोनों ड्राइंग रूम्स में एज इट इज ही मिल जाएंगी आपको, अंदर भी सरमाइका वर्क मिलेगा। वॉशिंग एरिया स्पेशियस है, वेंटिलेशन दोनों बेडरूम्स की, ड्राइंग रूम्स की एज इट इज ही मिल जाएगी, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे वेंटिलेशन बैग को निकाली हुई है दोनों बेडरूम्स एंड उसकी। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे ये ग्राउंड प्लस वन बनी हुई है, तो यहाँ पे रोशनी एंड वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो पूरी रोशनी मिलेगी आपको। ये तो हुआ हमारा ग्राउंड फ्लोर, अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, स्पेशियस है, एरिया बना हुआ है, एक बार दिखाता हूँ मैं ऊपर से, अच्छा लगेगा आपको, और मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे तभी अच्छी प्रॉपर्टी ले पाओगे। एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ आपको, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है ये, हमारे पास आओ ना आओ वो कोई दिक्कत नहीं है सर मैम, आपने अपना लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस रेडी टू मूव में प्रॉपर्टी हो, ठीक है जी। और मैं ऊपर पहले मैं आपको बात क्लियर करूँगा, अभी ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर जो एज इट इज़ बना हुआ है, रेडी टू मूव में हो, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस कम हो, पेपर वर्क फैमिलीज रहती हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे हमारा है चाहे किसी और का। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आप विजिट करने आते हो तो अकेले आओ, फैमिली के साथ आओ, आउट ऑफ स्टेशन से जम्मू हिमाचल दिल्ली हरियाणा कहीं से भी आ रहे हो, रिलेटिव को साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छी चीज़ है वो भी नहीं ले पाते, हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं, रिलेटिव्स देखो जी सारे बढ़िया होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, हमारे भी रिश्तेदार हैं, पर जो हम फेस करते हैं रिलेटिव काम खराब ही करते हैं जी, कोई अच्छी चीज़ ले ही नहीं पाता, नहीं यहाँ पे रहने दो, ये महंगा हो गया, वो सस्ता हो गया, एंड में चीज़ें बिक जाती है, आपको वो चीज़ लेनी पड़ती है जो आप लेनी चाहते नहीं थे और लेनी चाहिए नहीं। मैं ये नहीं बोलता आप मेरे पास आओ, आपका भला उसी में है अगर आप फैमिली के साथ 5-10, देखो जी मैं ये नहीं बोलता, अगर हमारे में मैं कुछ आपको बातों में घुमाता ना तो मैं ये बोलता हमारे पास ही आओ, बस कहीं पे ना जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ हमारे पास आना आपकी मर्जी है, 10-15 जगह जाओ, पर खुद का डिसीज़न लो वो सबसे बढ़िया है, आप अपना डिसीजन लोगे तो अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पाओगे। यहाँ पे 90% प्रॉब्लम हमारे को भी आ रही है, इस फील्ड में भी आ रही है, रिलेटिव साथ में आते हैं जो लोकल रह रहे हैं, खुद तो ऐसी चीज़ में रहते हैं, दूसरे को अच्छी चीज़ में नहीं मिल पाती।
ठीक है ना जी, आप अपना डिसीजन लो, मेरी नहीं सुननी, मेरे बिल्डर की नहीं सुननी, अपने रिश्तेदार की नहीं सुननी, चाचे मामे की नहीं सुननी, किसी की भी नहीं सुननी, आपने अपनी मर्जी करनी है, वो कर लोगे तो अच्छी चीज़ ले पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। और जो सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको, मेरे से बुलवाना है तो 4 बार बुलवा लो, 10 बार, चलो आप तो बोल नहीं सकते इस वीडियो में से कि हाँ सुखविंदर बोल दो, मैं खुद ही बोल देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। सर मैम, आपका लाखों रुपया है, आपने लाखों रुपया लगाना है, अपनी मेहनत की कमाई लगानी है, 80-85% लोन लेके कम से कम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल देना है बैंक को, तो मेरी तरफ से गुड विशेज है, आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो चाहे कहीं पे भी, मेरे को उतनी ही खुशी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है जी। स्टेयर का एरिया फर्स्ट फ्लोर स्पेशियस है, क्वालिटी वाइज बढ़िया है, अगर स्टील की लगा लेते तो इसके इससे सस्ती पड़ती, ये हमने हैवी लगाई हुई है ग्रिल यहाँ पे, ठीक है जी, ये इतनी लंबी इसलिए लगाई हुई है, यहाँ पे हमने डोर बीम डाले हुए हैं, एक विला में 11 कॉलम दिए हुए हैं 1x9 के, जो ये भी कॉलम है हमारा, यहाँ पे भी कॉलम है, अंदर भी कॉलम दिए हुए हैं 1x9 के, एक तो 9x9 के जो ईंट का साइज होता है वैसे कॉलम होते हैं, टॉप फ्लोर पे मोंटी है, स्टोरेज कर सकते हो टॉप फ्लोर को भी, आप थर्ड फ्लोर भी बना सकते हो, फोर्थ नहीं बना सकते, ये पैनलिंग इसलिए दी हुई है, यहाँ पे सब मीटर लगाओ और इसको 22,000 के रेंट पे चढ़ाओ, सबसे पहले अब दरवाजा डोर खुला ही है तो बालकनी में चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की, यहाँ से थोड़ा सा एलिवेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, ग्राउंड से वीडियो को दिखाना और आपको समझाना थोड़ा सा टफ है, फ्रंट एलिवेशन थोड़ा सा लंबा लगता है, पर यहाँ पे सेम साइज़ का दिखेगा, रोड का वर्क भी देख लो आप, लोग लगे हुए हैं हमारे काम, बंदे काम करने, यहाँ पे भी रोड का काम सारा चल रहा है, रेडी टू मूव में है, और रेडी टू मूव में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका प्राइस लैंड की परचेजिंग के हिसाब से रेट है जी, ये नहीं है महंगा बहुत है, वो आपने चलो अपने बजट के हिसाब से चलना, पर ये ग्रेटर मोहाली है, यहाँ पे 11 करोड़ रुपए एकड़ जगह मिली है हमें, ठीक है, अगर खरड़ में ये चीज़ बनाते तो 59-90, 65-90 ये में इस प्राइस में मिलती है आपको, खरड़ में बनाते तो हम, ऊपर का लेआउट ग्राउंड की तरह सेम ही रहेगा, सीलिंग का जो है यहाँ पे डिज़ाइन सेम रहेगा, कबर्ड्स मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा देता हूँ फ़ोन को, एज अ टी सी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे 4x4 की फ्लोर टाइल कजारिया की, ग्राउंड पे 2.5x5.5 की जो अंदर लगी हुई है वो 2x4 कजारिया की टाइल है यहाँ पे, और जो मैंने आपको लकड़ी की क्वालिटी दिखाई है ये सुडान टीक है सारी, ये डार्क नहीं हुआ हुआ, ये रेशे हैं लकड़ी के बीच में जो बने हुए हैं, ये उसी लकड़ में बलते हैं, अगर टीक हो या सुडान टीक हो, जैसे सामने मैं दिखाता हूँ आपको, विंडो में भी मिल जाएंगे स्पेशियस, ये देखो दो बाय चार की वॉल टाइल है, रुका की बात फिटिंग है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी अब फटाफट बस इसे क्लोज कर देता हूँ, सॉरी आपका टाइम लिया हमने, आप वीडियो देखते रहते हो, व्यूज़ आते रहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बस आपके लिए है जी, इन से चीज़ों के लिए नहीं है, वो चलो मैंने बोल दिया वो एक अलग चीज़ है, आपके लिए है, अगर आपने प्लॉट लिया है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, अगर आप 10 जगह जाया हो प्रॉपर्टी नहीं पसंद आ रही तो ये वीडियो हेल्प करेगी, अगर आपने 10 जगह जाना है तो ये वीडियो हेल्प करेगी, अगर आप चीज़ अगर आपने हेल्प लेनी है तो ये वीडियो हेल्प करेगी, क्योंकि बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सेल्स में भी हैं साथ साथ काम कर रहे हैं, LCD पैनल जैसे मैंने बताया था 4 बेडरूम्स में लग डिज़ाइन के हैं, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है 4 बेडरूम्स एंड ड्राइंग रूम में, बिल्डर क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे हॉल निकाल के ना, उनके पैसे नहीं लगते, हम पाइप घुमा के वहाँ पे देते हैं, ये वेंटिलेशन है बैक साइड पे, यहाँ पे हमने पर्दा लगाया नहीं हुआ वीडियो के चक्कर में फर्स्ट फ्लोर पे, कि वेंटिलेशन भी क्लियर होनी ज़रूरी है, बहुत से लोग हैं सुखविंदर वेंटिलेशन आपकी कम है ज़्यादा है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
हमारे को भी सिस्टमाइज होना पड़ता है। ठीक है जी, ये हमारा है फोर्थ वॉशरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर चीज़ मैंने विजिट करा दी है अभी, जैसा आपको अच्छा लगे। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी है, जब मर्जी विजिट करने के लिए आओ। टॉप फ्लोर पे जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप फ्लोर पे रूफ ही है। और जब आप आओगे, जो हमने कॉलम निकाले हुए हैं जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, विंडो चौगाठों पे डोर बीम है, एक कॉलम निकला हुआ है, 1x9 के कॉलम है, वो सारे ऊपर निकले हुए हैं, वो आपको दिखा दूंगा। थर्ड फ्लोर बनानी है, वो भी बन जाएगी। मोस्ट वेलकम है जी, गुड विशेज रहेंगी। ऐसी आप वीडियो देखते रहो, अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे तभी मिलेगी बढ़िया चीज़। मेरे से गलती फलती माफ़। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, अपनी मर्जी से हर चीज़ आप परचेज़ करो, बढ़िया रहेगी।